भाई रियल ट्रेंडिंग स्टार अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है तो वो खेसारी लाल यादव है। समझना पड़ेगा आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो यार, बहुत लोगों ने बॉलीवुड के बड़े बड़े लेवल के गाने को गाया लेकिन तब भी मेन ट्रेंडिंग पे नहीं आ पाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर रोजा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता है। वीडियो को अभी से लाइक करना चालू कर दो। सबसे पहले बता दूं कि खेसारी लाल जी का कोई भी गाना आता है मोस्टली गाना ट्रेंडिंग पे रहता है, और सारे गामा हम भोजपुरी पे अगर गाना आ गया तो भाई समझ लो कि बल्ले बल्ले, क्योंकि सारे गामा हम भोजपुरी के जो लोग हैं भाई, उनका जो टीम मेंबर्स है वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, वो क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। एक लेके आते हैं एक महीने में, लेकिन जो लेके आते हैं ना भाई, वो ऐसा रहता है कि एकदम बवाल मचा देगा, हर गाने को पछाड़ देगा। और खेसारी लाल यादव भी, जब सारेगामा का प्रोजेक्ट होता है ना भाई, तो लगता है एकदम सनसनी मच जाएगी। देखो ना यार, खेसारी लाल जी ने सारेगामा का गाना गाया और इतना ज़्यादा हिट कर गया, और उधर टी सीरीज पे पवन जी का गाना आया, हिट तो किया लेकिन खेसारी लाल जी के मुकाबले देख लो आप कि वहाँ पर 2-3 दिन के बाद भी 5 मिलियन व्यूज़ नहीं हुए थे, और यहाँ पर अभी तो 22 घंटे हुए हैं भाई, 22 घंटे में 4.2 मिलियन व्यूज़। तो आप देख सकते हैं आंकड़ा कहाँ है, और वो 195 मिलियन का चैनल, और ये कहाँ एक छोटा मोटा चैनल, जो कि टी सीरीज़ के मुकाबले, सारे का मां छोटा मोटा चैनल नहीं है लेकिन टी सीरीज़ के मुकाबले छोटा मोटा है, तब भी यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे पता चलता है कि खेसारी जी से चैनल चलता है, चैनल से खेसारी जी नहीं चलते, I mean से खेसारी जी का फ़ैन बेस इतना तगड़ा है कि वो चाहे कोई भी बड़े लेवल का गाना गाए, कहीं भी गाए, वो व्यूज़ आ जाता है। जी आप लोग जीता जागता एग्जांपल देख लिए होंगे, एक तरफ 22 घंटे में 4.2 मिलियन और उधर एक दिन में भी 2.6 मिलियन के लगभग व्यूज़ था, वो भी शायद उससे भी कम था शायद लुट गए का। तो इससे पता चलता है कि खेसारी लाल यादव जी का अलग फैन बेस है। सोचिए सोचिए, खेसारी लाल यादव जी एक पुराने गाने को गाए हैं, पुराने गाने को, जिस जो गाना सदियों पहले आया था, हिट था, और पवन सिंह जी ने जो गाना गाया है वो आज का हिट गाना है। तो सिर्फ पवन सिंह जी के फ़ैन नहीं, इमरान हाजमी के फैंस भी सपोर्ट किए होंगे, जुबिन नौटियाल के फैंस भी सपोर्ट किए होंगे, बहुत लोग तो गलत बोल रहे हैं लेकिन बहुत लोग सपोर्ट भी किए होंगे, तब पर भी व्यूज़ नहीं गया। तो एक खेसारी जी का अपना फ़ैन बेस है जो हमेशा रेडी रहता है खेसारी लाल जी को टॉप पे पहुंचाने के लिए, इसीलिए खेसारी लाल यादव रियल ट्रेंडिंग स्टार है हमारे नज़र में, ये हम बोलते हैं। आपका एडवाइस क्या है आप कमेंट करके बता सकते हो। हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं ये हमारा परसेप्शन हो, लेकिन आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचते हो, कमेंट जरूर करना। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से गाँव से देख रहे हो, ये ज़रूर लिखना, क्योंकि आपके गाँव का नाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि गाँव जवार से भी लोग वीडियो देखते हैं और खेसारी जी को प्यार देते हैं। चलो यार, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।